तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस वर्ल्ड पे। आज हम इस वीडियो में के मैप के प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। के मैप क्या होता है, उसको उसके सेल्स कैसे बनाए जाते हैं, उसके उसमें ग्रुपिंग करने के क्या रूल्स हैं, ये सब हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। हाँ तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले प्रॉब्लम की तरफ जो दिया हुआ है। मिनिमाइज़ द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन। इस फंक्शन को हमें मिनिमाइज़ करना है के मैप की मदद से। तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल कितने हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ए बी सी डी, यानी ये फोर वेरिएबल का प्रॉब्लम है। तो हमें पहले फोर वेरिएबल के लिए सेल बनाने होंगे, और नंबर ऑफ सेल्स कैसे निकलते हैं ये मैंने आपको बताया है। जितने वेरिएबल हों 2n सेल्स, यानी इसमें देखिए 4 वेरिएबल हैं, 2 यानी 16 सेल्स का एक रो कॉलम बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बना लेते हैं 16 सेल्स का। ठीक है, दोस्तों तो इस तरीके से आप सेल बना लेंगे। ठीक है, अब एक तरफ आप दो वेरिएबल शो कर लेंगे ए बी, एक तरफ दो अलग वेरिएबल सी डी। नेमिंग कैसे करते हैं कॉलम की मैंने आपको बताई थी, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। आप पिछले वीडियो में जाकर इसे समझ सकते हैं कि मैंने नेमिंग किस तरीके से की है। ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार। ठीक है, तो इस तरीके से नेमिंग हो जाएगी। अब आप देखिए फंक्शन में क्या दिया हुआ है, 0, 1, 2, 5, 7, ये क्या चीज़ है। पहले आप सेल की, उससे पहले नंबरिंग कर लेंगे। सेल की नंबरिंग क्या है, ये होती है 0 सेल, ये होती है 1, ये 2, ये 3, ये होती है 4, ये 5, ये 6, सॉरी ये 7 होती है, ये 6 होती है। आखिरी के दो का एक्सचेंज होता है, ये मैंने बताया था। फिर मैंने 2 और 3 वेरिएबल के लिए आपको बताया था कि नंबरिंग कैसे होती है। जब 4 वेरिएबल हो जाता है तो उसमें 6 के बाद 7 के बाद जो नंबरिंग होती है वो लास्ट कॉलम से होती है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये सेल्स की नंबरिंग हो गई। अब आपको इसमें दिया क्या हुआ है, जितने भी जो वेरिएबल आपको जिस फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है उसमें जिस वेरिएबल का नंबर दिया हुआ है वहाँ वहाँ आपको 1 लिखना है। जैसे 0 यहाँ आप 1 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 2 में 1 लिख लीजिए, 5 में 1 लिख लीजिए, 7 में 1 लिख लीजिए, 8 में 1 लिख लीजिए, 9 में 1 लिख लीजिए, 10th सेल में 1 लिख लीजिए आप, और 13 और 15 में 1 लिख लीजिए। तो अब आपको ये सेल बनाने का तरीका हो गया। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ग्रुपिंग कैसे करनी होगी, ग्रुपिंग के लिए मैंने रूल बताया हुआ है। तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं, पहले देखिए कॉर्नर ग्रुपिंग, ये और ये 4 कॉर्नर के एक ग्रुप बनाएंगे, ये बीच का 4 ये एक ग्रुप बनाएंगे, और ये 4 एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक, आप इसे आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसे नेमिंग भी कर सकते हैं। ये होगा तीसरा ग्रुप हमारा। ठीक है, ये ओवरलैपिंग इसमें अलाउ होती है। ठीक है, तो अब नेमिंग हम कैसे करेंगे, पहले कॉर्नर ग्रुपिंग की। कॉर्नर ग्रुपिंग में ये 4 पेयर बना रहे हैं। ठीक है, इनकी नेमिंग कैसे होगी, इन चारों में आप कॉमन देखिए, पहले इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। इन दोनों में देखिए ए बार ए चेंज हो रहा है इसमें, बी बार सेम है, तो इसके लिए होगा बी बार। ठीक, इसके लिए देखिए इसमें भी वही चीज़ है, बी बार ही है। अब ऊपर से नेमिंग देखेंगे, ऊपर से कॉलम के लिए, इसमें देखिए इन सी बार डी बार और इधर सी डी बार, यानी इसमें क्या सी बार सी चेंज हो जा रहा है लेकिन डी बार और डी सेम रह रहा है, तो इसमें डी बार आएगा, बी बार और डी बार का एक पेयर बन गया। प्लस क्योंकि ये एसओपी फॉर्म से करना है इसलिए हमें सम ऑफ प्रोडक्ट, तो इसलिए इस तरीके से। दूसरे ग्रुपिंग की अब हम नंबरिंग करेंगे। ये देखिए ये जो 4 का हमने बनाया है इनकी नेमिंग कैसे होगी, ये 4। अब इधर ये रो में ए बी में
क्या वैद क्या वैद क्या चीज़ सेम रह रही है, आप देखिए बी सेम रह रहा है तो आप बी लिख लीजिए, और कॉलम में क्या चीज़ सेम रह रही है, सी बार सी चेंज हो जा रहा है, डी वही रह रहा है तो डी लिख लीजिए, तो ग्रुप टू की नेमिंग हो गई यानी इसकी जी टू। और ये था ग्रुप वन जो चारों कॉर्नर पे थे, कॉर्नर ग्रुपिंग। अब थर्ड ग्रुपिंग की नेमिंग करते हैं। थर्ड ग्रुपिंग में आप जब रो ए बी की तरफ, ए बी वेरिएबल की तरफ देखेंगे तो इसमें सारी चीज़ें वेराई कर रही सर, तो इसमें हम इसकी तरफ से नेमिंग करेंगे ही नहीं, केवल ऊपर का नेमिंग करेंगे, देखेंगे सी बार डी, यानी ये केवल सी बार डी हो जाएगा इसका। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्योंकि यहाँ तीन ग्रुपिंग बनी है, तीनों ग्रुप को मिला के जो हमें आंसर मिला वो ये है। तो ये हो जाएगा आपका बुलियन फंक्शन सिम का सिंप्लीफिकेशन।